कितने हो गए भैया? 70 रुपये हो गए मैडम। भैया आज तो मैं पैसे वाला पर्स ही भूल गई, आप बस एक मिनट रुको मैं घर से पैसे लेकर आती हूँ। पर मैडम मुझे भी जाना है। हाँ भैया बस इसी बिल्डिंग में रहती हूँ मैं, तो बस यूं गई और यूं आई। इस बिल्डिंग में मैडम? हाँ इसी बिल्डिंग में। थोड़ा जल्दी आना मैडम। हाँ बस अब थोड़ी देर रुको। बेचारा कितना बेवकूफ, इसके पैसे तो गए। आधा घंटा हो गया मैडम नहीं आई, मैं ऊपर जाता हूँ। कुछ हुआ तो नहीं बेटा? ठीक हो ना? कहाँ रहते हो? सुमन झील पर। कौन से फ्लोर पर? फिफ्थ। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। ये वाला घर आपका? नीचे सड़क पर खेल रहा था, गाड़ी से टकराता हुआ बचाया मैंने इसे। क्या? तू ठीक है? ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। भैया आप अपने पैसे ले लीजिए, मैं अभी लाती हूँ। नहीं मैडम नहीं चाहिए मुझे पैसे। अगर मैं इस बच्चे को ऊपर लेकर ना आता तो क्या आप मुझे मिलती? बिल्कुल भी नहीं। मैडम भले ही आप मेरे पैसे रखकर अमीर हो जाओ लेकिन उन पैसों से मैं गरीब नहीं हूँगा। और वैसे भी इन्हीं पैसों के लिए आपने मेरे सब बेईमानी की। अब माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती? मैडम गलती अनजाने में होती है, ये तो आपने जानबूझ कर किया है। सच बात तो यह कि आपका मन ही नहीं था मुझे पैसे देने का, और मुझे तो लगता है पता नहीं आपने कितने लोगों के साथ ये किया होगा। एक बात बोलूं मैडम, पैसा कागजी है, कितना भी कमाया जा सकता है लेकिन भरोसा, भरोसा कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक चोर के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो वो पूरी दुनिया के लिए चोरी रहता है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाता है, भरोसा नहीं। चलो छोड़िए मैडम चलता हूं, बच्चे का ध्यान रखना। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी नीडी।